हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैंने कहा था कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, थोड़ा और एक एग्जांपल लेकर के, इट्स ऑल अबाउट क्लियरिटी, तो हम ज़्यादा और क्लियर हो जाएं इसलिए। और बल्कि ये भी कि जिस तरह से हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लिया एक पार्टिकल है कोई जो ए से बी पे जाता है और ये एक कर्व्ड पाथ है, ये एक कर्व्ड पाथ है और एक तरह से एक आर्बिट्रेरी शेप है, आर्बिट्रेरी शेप, एक आर्बिट्रेरी पाथ है। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन लिया था तो इसलिए मैंने एक जनरलाइज फॉर्म लिया, एक आर्बिट्रेरी पाथ है जबकि पार्टिकल मूव करता है ए से बी के लिए, इस तरह मूव करता है। क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है कि हमसे कोई कहता है कि बताएं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल क्या है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्वेश्चन अभी भी वही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। पार्टिकल ए से बी पे जाता है एक आर्बिट्रेरी पाथ के थ्रू और हमें चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कोई कंसीडर करते हैं और इस एलिमेंट के अंदर यहां पर ये जो चीज है ये है डीएक्स, ये जो चीज है ये है डीवाई, तो इस वाली पाथ लेंथ को हम लोग कह देते हैं डीएस। यानी एक तरह से यहां के मूवमेंट में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी वैल्यू है डीएस के बराबर। क्योंकि ये आर्क लेंथ बहुत छोटी है, एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट है, तो यहां पर डिस्टेंस इस पॉइंट के लिए, एक्चुअली ये जो दोनों पॉइंट है, तो इस एलिमेंट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। ये डिफरेंशियल कैलकुलस की एक ब्यूटी है कि हम इस तरह से ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं कहूं यहां से लेकर के यहां तक जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। देखो कितना सिंपल है, डी वाई जे कैप। अब कोई कहता नहीं हमें ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस तरह से अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसके छोटे छोटे वेक्टर अगर ऐड कर दिए जाएं तो वेक्टर के लॉ ऑफ पॉलीगन के हिसाब से ये सारे जो एडिशन है ये फाइनली हमें क्या देंगे, ये फाइनली हमें देंगे ये वेक्टर हमारा यहां से लेकर के यहां तक ले जा करके हम ऐड कर दें इस तरह। तो एक तरह से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस आर्बिट्रेरी पाथ में ए से बी तक का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए इसका, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब हुआ कि इंटीग्रल ऑफ डीएस, देखो जरा एक बार मैं लिख देता हूं, यानी यहां पर हमारे लिए जो डीएस वेक्टर है बेसिकली वो क्या था, एक छोटे से एलिमेंट पर डी एक्स आई प्लस डी वाई जे था। अब अगर मुझे चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर, तो इसका यहां पर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इंटीग्रल डी एक्स आई कैप प्लस इंटीग्रल डी वाई जे कैप, ये हो गया। अब इसका मतलब इंटीग्रल डीएक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डीएक्स ये होगा कि अगर हम एक्स को इंटीग्रेट करते तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती, ये चीज होती एक्स और ये चीज होती वाई। इसका मतलब इंटीग्रल डीएक्स आई क्या चीज हुआ, इंटीग्रल डीएक्स आई हो जाएगा एक्स और जो इंटीग्रल डीवाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए वाई। यानी कि एस जो वेक्टर आया फाइनली वो क्या है, वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दिस कंडीशन। तो किसी आर्बिट्रेरी पाथ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर। ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट की। चलो अब देखते हैं डिस्टेंस, कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड है। तो अगर ये मैग्नीट्यूड है हमारे इस छोटे से एलिमेंट का, फिर हम बाद में इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर प्लस
डी वाई का स्क्वायर ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन था वो अब यहां पर जब मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम छोटा सा डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरह से हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, इंटीग्रल ऑफ रूट डी एक्स का स्क्वायर और प्लस डी वाई का स्क्वायर ये होना चाहिए। तो इस तरह से एक जो फाइनल बात थी हमें, जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझना चाहिए था वो ये है कि अगर कभी कोई हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पाथ हो तो उस आर्बिट्रेरी पाथ पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कैसे करें। जबकि वो स्ट्रेट लाइन होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, हम सीधे सीधे वेक्टर लिख देते हैं और उसका कैलकुलेशन यूनिट वेक्टर की टर्म में कर लेते हैं। मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर की हेल्प हमें ले लेनी चाहिए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर कोई पाथ आर्बिट्रेरी हो तो डिस्टेंस निकालने में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। आमतौर पर बाकी सारी कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसी आर्बिट्रेरी पाथ पर तो डिस्प्लेसमेंट लिखना कंपेरेटिवली ईजी है, जबकि डिस्टेंस लिखने में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कभी कोई कहता है हमसे कि हमारे पास एक पार्टिकल है, जो पार्टिकल इस तरह से चलता है, ए पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे, इस तरह से चल रहा है कि उस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट एक सर्टेन रूल के हिसाब से इस तरह से बदल रहे। लाइक देखो, एक पार्टिकल इस तरह से चलता है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस तरह बदलता है, ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बदलता है ए इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी के हिसाब से बदलता है। तो ये पार्टिकल का एक्स वेरिएशन है, ये वाई वेरिएशन। अच्छा, कभी कोई ये कहता है ना कि कर्व की इक्वेशन चाहिए, पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट टाइम के साथ ऐसे हो रहा है, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट टाइम के साथ ऐसे हो रहा है। तो कभी कोई कहता है बताएं किस तरह के पाथ पे चल रहा होगा। जाहिर है ये भी पाथ एक आर्बिट्रेरी पाथ है, तो किस तरह के पाथ पे चल रहा होगा, तो हमें सिर्फ टाइम को एलिमिनेट करना होता है। यहां से साइन ओमेगा टी की हम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एक्स वाई है, और यहां ला करके साइन ओमेगा टी रख देंगे कॉस ओमेगा टी चेंज करके, तो ये रिलेशन एक्स और वाई में आ जाएगी और यही उसकी ट्रेजेक्टिक इक्वेशन होगी। यही तरीका होता है ट्रेजेक्टिक इक्वेशन के कैलकुलेशन का। चलो देखते हैं। तो अगर ये एक्स है ये वाई है, कोई कहता है कि हमें बताएं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, वो बहुत सिंपल है, वो कितना हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इस पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर कोई कहता है कि इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, तो देखो डिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए अभी मैंने क्या बताया था, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर और प्लस डी वाई का स्क्वायर ना, ये करना पड़ेगा। तो डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर यहां से निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इससे अगर हम डी एक्स का कैलकुलेशन करें तो डी एक्स की वेक्टर कितना, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है तो ओमेगा बाहर आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि डी वाई कितना आ जाएगा, तो ए कॉन्स्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी का कितना होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा से फिर करेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है माइनस ओमेगा, तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज डी वाई। अब dx पता चल गया और dy पता चल गया, हमें क्या करना होगा, हमें ला करके इसे यहां पे रखना होगा। तो अंडर रूट के अंदर ला के रखेंगे, dx का स्क्वायर मतलब कितना, a ओमेगा cos ओमेगा t का स्क्वायर प्लस यहां पे कितना आ जाएगा a ओमेगा sin ओमेगा t का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया हमने, तो वैल्यू कितनी बन गई, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां पर ये डीएक्स था तो ये डीटी बन जाएगा, एक टर्म और रहेगा इसके साथ, ये आ जाएगा डीटी, ऐसा करके ये देगा। तो यहां भी एक टर्म होगा इसके साथ साथ डीटी, और यहां पे हम लोग लिखेंगे इस वाले में एक टर्म डीटी, ये भी इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखें तो वैल्यू कितने के बराबर हुई, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इधर होगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या होगा डीटी का स्क्वायर ना,
तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी टी का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो फाइनली यही बचा। अभी क्या करना है, इंटीग्रल लगा रहेगा यहां पर इस तरह से, ये हमारे लिए टोटल है एस, ये इंटीग्रल लगा रहेगा यहां पर, तो वो लगा दिया हमने। अभी एस की वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रल अब देखो इसका रूट ले लिया तो वैल्यू क्या बच गई, ए ओमेगा डी टी बची ना, ये बचा। तो t टाइम में इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t हमने कर दिया, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल t टाइम का कितने के बराबर आया, a ओमेगा t। देखो बात क्लियर है, ये हो। यानी अगर एक तरह से हम लोग देखें किसी आर्बिट्रेरी पाथ पर अगर हमारा कोई मूवमेंट होता है, तो पहले x पता है, उसका y पता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना बहुत आसान है। तो वो लिख दिया, उसके बाद में x का डिफरेंशियल लिया dx एलिमेंट निकालने के लिए, a ओमेगा cos ओमेगा t dt। इसी तरह से y का हमने डिफरेंशियल किया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी, एक माइनस और आ गया तो वो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। अब जब हमें s चाहिए तो इसका मतलब होगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, उसका रूट लेंगे, वो लाकर के हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, ऐड किया, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो गया। फाइनल इंटीग्रल में वैल्यू s इज इक्वल टू ए ओमेगा टी के बराबर है। तो फाइनली हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है कि ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन हो तो इतनी बातों को ध्यान में रख के करेंगे, तो हम किसी भी तरह का, चाहे पार्टिकल का मोशन किसी ट्रेजेक्टरी पे होता हो, चाहे पार्टिकल का मोशन किसी स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा हो, हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर ले जाएंगे।